होते, ऊपर तो वही बैठे हुए थे सदर बन के, फिर क्या परवेज मुशर्रफ का निज़ाम सदारती निज़ाम नहीं था? जिस तरह से 2002 के इलेक्शन कराए गए थे वो सारी दुनिया के सामने है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज हमारे लीडर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि भाई जमहूरियत है, कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है। मुझे बड़ा मजा आया, वो हमें देव दर्श सुना रहे थे डिक्टेटरशिप और जमहूरियत का। मेरा भाई वजीर था मुशर्रफ साहब के साथ, हाँ हमारे पास भी हैं, तो वो इस तरह का दर्श नहीं देते। आप तो हमें दर्श दे रहे हैं ना, तो बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है इसके अंदर। जी मुशर्रफ साहब प्लीज जी। तो आप जरूर दर्श दें, लेकिन भाई आप क्या बात कर रहे हैं, अब सदारती निज़ाम की फिर बात है, ये कल की बात है। परवेज मुशर्रफ था इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके गया, वो आदमी सूबों में मुनाफरत फैला के गया, लोगों का कत्लेआम किया उसने कराची में, अकबर मुफ्ती को कत्ल किया उसने। ये सदारती निज़ाम में ही हुआ ना भाई, ये जमहूरियत में तो नहीं हुआ। अगर जमहूरियत में होता था तो दाद रस्सी हो जाती थी। मैं ये कहना चाह, फिर एनएफसी भाई, आप या तो सारे काम कर चुके होते, या तो आपने जर्मनी और जापान की सरहदें वाकई मिला दी होती, या आप 1 करोड़ घर बना चुके होते। कुछ भी तो नहीं किया जनाब, अपने मंशूर को तो देखें किन चक्रों में पड़े हुए आप। और इन्हें मालूम है कि ये कुछ भी नहीं होगा, किसी को जुरत नहीं है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम को लेके आए, या एनएफसी को तब्दील करने की कोशिश करे, या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश करे। हम भी यहीं पे मौजूद हैं, किसी की ख्वाहिशात से नहीं होता। हम इस फेडरेशन का टुकड़े, ये फेडरेशन को टुकड़े टुकड़े करने की बात है, जिसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, बाबर अवान साहब नहीं है, वो अच्छी बात करके चले गए, उनका ऐसी उनकी बात का मतलब यह था कि ये फजूल बातें, कुछ नहीं हो रहा ऐसी बात। इसके बावजूद होती हैं ना, इसके बावजूद क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं कि असल काम तो हो नहीं रहा, तो लोगों की तवज्जो तो इधर उधर करनी है ना। कभी कुछ वज़रा जो हैं उल्टी सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने लगते हैं। मैं अगर आपसे इजाज़त लूँ 1-2-4 मिनट की, मेरे बारे में नाम लेके मैं हैरान रह गया कि ये हुकूमत चल कैसे रही है, कि जिसके फेडरल मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं ओपनली, या झूठ बोल रहे हैं या उनको हकायक का पता ही नहीं है। मसलन मेरा नाम लेके 3 वज़रा, आज वो नहीं है, शिबली फराज साहब भी थे उनमें, हमारा भाई है वो भी बैठा हुआ था, दूसरे वो जो हैं आजकल बड़े बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या नाम उनके कराची से, और वो एहतसाब अकबर साहब वो भी थे, है जी, हाँ अली जैदी साहब, वो ये कह रहे हैं मेरा नाम लेके कि पिया ये तबाह इसलिए हो गई कि मुशाहिदुल्लाह ने अपने भाई भर्ती करा लिए। फिर अगले दिन वो दोबारा वो फवाद ने फिर कहा, डब्बू साहब ने फिर कहा कि जी इसके 13 या 17 रिश्तेदार हैं। यार तो खुदा का नाम लो, अगर मेरे हों आप ज़रूर बात करें मुझे को, और रिकॉर्ड पे। अच्छा पहले जब मैं कहा था तो मैंने इस मैनेजमेंट जो इस वक्त भी है ये किए जनाब चेयरमैन, कौन से नाम नामनासिब भाई हैं, वो तो चेयरमैन साहब को नहीं अभी कोई ऐसी, जब वो तो जरूर करेंगे, अगले मार्च में चेयरमैन बनवा देंगे, फिर आप हज़्फ़ कर दें। जी जी प्लीज बताएं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो फरमा रहे हैं, आप देखें ये हुकूमत चल कैसे रही है, फेडरल मिनिस्टर है। मेरा एक भी भाई, मैं चैलेंज करता हूं, मैं सेनेट से इस्तीफा दे दूंगा, कोई साबित कर दे कि मेरा कोई एक भाई, मेरा एक कजन, कोई एक रिश्तेदार, ये 13 और 17 तो दूर की बात है, अगर आज पीआईए में है, मुझे ये हुकूमत साबित कर दे, मैं रिजाइन कर दूं, और अगर साबित नहीं कर सके तो अपना मुंह फिर खुद ही काला कर ले। मुझे शिबली फराज ने नहीं की बात, मैं इसलिए करना चाहता हूं, लेकिन मैं सोच रहा था उसको पता है इस बात का कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, और फिर पता नहीं क्या होगा कि जी YouTube में ये लिखा, YouTube में सही बातें लिखी हुई होती हैं, YouTube में तुम लोगों के बारे में जो कुछ लिखा वो पता, हम तो इस चक्कर में वैसे भी नहीं पढ़ते जी,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से लिख के भेजा था इस मौजूदा मैनेजमेंट को कि जी ये वो साइंस टेक्नोलॉजी के वजीर जो हैं उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए थे, ये दुरुस्त हैं। उन्होंने मुझे लिख के दिया हुआ है ऑफिशियली कि ये सारे इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं हैं। वो फिर वो जनाब उसने मुझे ये कहा कि ये मुजरिम है PIA की, PIA का तबाह आपने किया, PIA को जमीन बोस कर दिया, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जिससे सिर्फ यूरोप के अंदर 33 अरब रुपए का नुकसान होगा रेवेन्यू में। अब बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया, और अल्लाह खैर करे अब ये कई सालों पे चलेगा मोहित, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी हिमायत की बजाय इसके कि उसको हैंडल करते, हैंडल कुछ नहीं हो रहा, चले सिदारती निज़ाम लाने, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, वाह वाह वाह। मतलब तुम क्या, तुमने जो अपने बुनियादी वादे किए थे वो तो पूरे कर लो, खुदा का नाम लो, क्या बातें करते हो, क्या कैसे कर लोगे, तुम्हारी कितनी अक्सरियत है, 6 तो वजीर आजम तुम्हारे फिर रहे हैं आजकल बने हुए, तुम्हें सिदारती निज़ाम की पड़ी हुई है, 18वीं तरमीम की पड़ी हुई है, भाई अपने घर को तो संभालो पहले जी। मिसेस आप इस मुल्क के अवाम रो रहे हैं जनाबे वाला। PIA के पायलट, उस पायलट्स के साथ मैं सर एक दो मिनट इस पर भी बात कर लेता हूँ, आजकल इस पर बड़ी बात हो रही है, मैं बड़े अरसे बाद आया हूं। साहब बिल पे बात हो रही है जी, मैं बिल ही है ना, ये सारी कौन सी बिल की बातें हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना जुल्म हुआ है, आप ये देखिए कि ये शौक, ये नहीं, मैं हैरान होता हूँ कि ये हुकूमत कैसे चल रही है। हर आदमी को एक शौक है, अब वो वजीर ने कहा जी मेरे घर में मोटरसाइकिल पे कोई ले गया, अगले दिन वो प्राइम मिनिस्टर के पास ले गया, वो उनसे इजाजत लेके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मतलब उसने कोई पता ही नहीं किया कि ये सही है गलत है, क्या है सच है झूठ है। इसी तरीके से यहाँ पे वो वजीर साहब ने वो PIA के पायलटों के बारे में, भाई तुम पहले इन्वेस्टिगेशन तो करो, और PIA की मैनेजमेंट तो खैर वो माशाल्लाह उन्हें तो 3 साल की एक्सटेंशन चाहिए थी, ले ली उन्होंने। ये असल में हो ये रहा है कि ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए हमारे फायदे के, कैसा हो सकता है, करप्शन कैसे, ऐसी ऐसी करप्शन हो रही है कि कुछ ही अरसे बाद पता लगने वाला कि कितने लोग जेलों में होंगे। मेरे नोटिस में, मैं अभी इस मसले पर बात नहीं करना चाहता, तो बात यह है कि PIA का जो कुछ हशर हुआ है, बजाय इसके कि उसको संभालते, आपने उन पायलट्स पे, पायलट्स हर 6 महीने बाद मुझे पता है उनका एग्जाम लेती है सी, और फिर मुझे भी एक बात बताएं, पहले भी इन्होंने लोडर इस तरह के, जिस पे मैंने कहा था कि भाई आप इनको कम सजा दें, इसलिए कि इनके जहाज उड़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो इंजीनियर है ना कुछ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी के गलत डिग्री है, जाली असनाद हैं, उसके पास लाइसेंस ठीक नहीं है, तो उसको बिल्कुल जी उसको सैक भी होना चाहिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है आपको इन्वेस्टिगेशन का, ये सारे इनके वजीरों को ये कीड़ा है कि एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, TV पे आ जाओ, टिककर चल जाओ और घर में जाके सो जाओ और कुछ ना करो, और अपनी वजारत का कोई काम नहीं करेंगे। वो एक रेलवे के शेख चिल्ली हैं, मतलब 87 हादसात हो चुके हैं जी, एक्सपेंज कर दिया जी। क्या एक्सपेंज कर दें, चले जी आप मुशाह साहब बस करें, मेहरबानी करें, क्या एक्सपेंज क्या कर दें, वो उन्होंने जो पॉइंट रहा वो उनका ये काम नहीं है ये कहना एक्सपेंज कर चले, आप होना चाहिए रूल्स का जी, ठीक है आपका सिर्फ हक है, किसी और का हक नहीं। ठीक है मुशाह साहब, जरा बिल पे बात करें, बिल पे बात करें। मैं फिर कहूंगा कि शेख चिल्ली मस्खरे इन्होंने इकट्ठे किए हुए, अपनी वजारतों की बातें नहीं करते और वहां पे जाते नहीं है। रेलवे खसारे में जा रहा है, PIA में खसारे में जा रही, वजीर कह रहे हैं जी फायदे में जा रहा है। यार को खुदा का नाम लो, आप कर्जे इतने ले चुके हैं, मतलब के इतने कर्जे की पिछली हुकूमत, भाई पिछली हुकूमत के जितने कर्जे थे उनसे तो 3 गुना ज्यादा आपने ले लिया, बाकी माल किधर गया है। तो जनाबे चेयरमैन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये सिदारती निज़ाम, इसको ये अवाम के नुमाइंदे जो है ना जेन्युइन,
वो हर काम कर सकते हैं, आप नहीं हैं, आप सिलेक्टेड हैं, आप उंगली पे सवार होके आए हैं और उंगली अब निकलने वाली है। थैंक यू।